डियर स्टूडेंट्स अपने प्रीवियस वीडियो में हमने ल्यूब्रिकेंट और फंक्शंस ऑफ ल्यूब्रिकेंट स्टडी किए थे आज के वीडियो में हम देखेंगे ल्युब्रिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ ल्यूब्रिकेशन सो व्हाट इज ल्यूब्रिकेशन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ल्यूब्रिकेंट बिटवीन मूविंग सर्फिस टू रिड्यूस फ्रिक्शन टू रिड्यूस वियर एंड टीयर इज नोन एज ल्युब्रिकेशन तो ल्यूब्रिकेंट को जब भी हम मूविंग सर्फेसिस के बीच में अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस होता है तो ये ल्यूब्रिकेंट को अप्लाई करने की जो प्रोसेस होती है वो ल्यूब्रिकेशन कहलाती है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म विच आर सजेस्टेड फॉर ल्यूब्रिकेशन फर्स्ट वन इज़ फ्लूट फिल्म मैकेनिज्म ऑफ ल्यूब्रिकेशन और थिक फिल्म मैकेनिज्म ऑफ ल्यूब्रिकेशन और हाइड्रोडाइनमिक मैकेनिज्म ऑफ ल्यूब्रिकेशन सेकेंड वन इज द थिन फिल्म मैकेनिज्म ऑफ ल्यूब्रिकेशन और बाउंड्री मैकेनिज्म ऑफ ल्यूब्रिकेशन एंड थर्ड वन इज एक्सट्रीम प्रेशर मैकेनिज्म ऑफ ल्युब्रिकेशन तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थिन फिल्म मैकेनिज्म ऑफ ल्युब्रिकेशन और बाउंड्री लुब्रिकेशन अब इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है दिस इज थिन फिल्म मैकेनिज्म ऑफ ल्युब्रिकेशन सो वी अप्लाई ए थिन फिल्म ऑफ ल्यूब्रिकेंट बिटवीन टू मूविंग सर्फिसेज और इस ल्युब्रिकेंट की थिन फिल्म की थिकनेस कितनी होगी इसकी थिकनेस उतनी ही होगी जितनी किसी भी इरेग्युलर सरफेसेस में पीक की हाइट होगी क्योंकि जब भी हम ल्यूब्रिकेंट की लेयर अप्लाई करते हैं सर्फेसेस के बीच में ये इरेग्युलरिटीज को फिलअप कर देती है तो यहां पर हम एक थिन फिल्म अप्लाई करेंगे तो जैसे सपोज ये वाली जो है पीक है सरफेस में तो यहां तक ल्युब्रिकेंट की लेयर फिलअप हो जाएगी सो दिस इज द थिकनेस ऑफ दिस लुब्रिकेंट लेयर तो जितनी पीक की हाइट होती है किसी भी इरेगुलर सरफेस में उतनी थिकनेस इस थिन फिल्म लुब्रिकेशन में लुब्रिकेंट लेयर की होती है अब इसे हम बाउंड्री लुब्रिकेशन भी कहते हैं बाउंड्री ल्यूब्रिकेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये जो सरफेस की पीक होती है तो जो भी मैक्सिमम पीक होगी किसी भी सरफेस की वो उस सरफेस की बाउंड्री होगी और वहाँ बाउंड्री तक हमने लुब्रिकेंट को फिलअप कर दिया है तो इसीलिए इस मैकेनिज़्म को हम बाउंड्री लुब्रिकेशन भी कहते हैं और जितनी पिक की हाइट होती है उतनी ही थिकनेस लुब्रिकेंट की लेयर की यहाँ पर होती है इन फिगर्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने थिन फिल्म ल्यूब्रिकेशन अप्लाई किया है तो इस फिगर में आप देखिए कि इस ल्यूब्रिकेंट लेयर ने इन मूविंग सरफेस की इरेगुलरिटीज़ को फिलअप कर दिया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिक लेयर ल्यूब्रिकेंट की अप्लाई नहीं की गई है तो यहाँ पर कुछ चांसेस होते हैं कि मेटल सर्फेसिस के बीच में कॉन्टेक्ट हो जाता है इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द थिन लेयर ऑफ ल्यूब्रिकेंट और ये लेयर इन मेटल सरफेस पे इन मूविंग सरफेस पर एड्जॉर्ब हो गई हैं ल्यूब्रिकेंट अप्लाई करने से ये सर्फेस की इरेगुलरिटीज फिलअप हो जाती हैं और ये एज ए स्मूथ सरफेस बिहेव करने लगती हैं और लोड थ्रू आउट द सर्फेस एंड ल्यूब्रिकेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसके बाद बात करते हैं वॉट आर द कंडीशंस वेयर वी अप्लाई दिस टाइप ऑफ ल्यूब्रिकेशन किस तरह की कंडीशंस होती हैं जब थिन फिल्म ल्यूब्रिकेशन सजेस्ट किया जाता है या बाउंड्री ल्यूब्रिकेशन सजेस्ट किया जाता है तो फर्स्ट कंडीशन व्हेन मशीन स्पीड इज वेरी लो एंड प्रेशर इज़ हाई जब भी मशीन की स्पीड स्लो होगी मशीन स्लो स्पीड से मूव कर रही है और वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होने से अगर हम थिक फिल्म ल्युब्रिकेशन अप्लाई करते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होने से थिन ऑयल स्क्वीज आउट हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में हमें थिन फिल्म ल्युब्रिकेशन अप्लाई करना पड़ेगा या बाउंड्री ल्युब्रिकेशन अप्लाई करना पड़ेगा सेकेंड कंडीशन देयर इज नो बाइंडिंग फोर्स बिटवीन मेटल सरफेस एंड ल्युब्रिकेंट सेकेंड कंडीशन वो होगी जब मेटल सरफेस और ल्युब्रिकेंट के बीच में कोई भी बाइंडिंग फोर्स नहीं है और मेटल सरफेस और ल्युब्रिकेंट के बीच में बाइंडिंग फोर्स नहीं होने की वजह से ल्युब्रिकेंट लेयर अपनी प्लेस पर परसिस्ट नहीं करती है अपनी प्लेस पर मेंटेन नहीं रह पाती है तो ऐसी कंडीशन में हम बाउंड्री ल्यूब्रिकेशन अप्लाई करते हैं तो जब भी मशीन स्पीड लो होगी प्रेशर हाई होगा एंड देयर इज नो बाइंडिंग फोर्स बिटवीन मेटल एंड ल्यूब्रिकेंट इन दिस कंडीशन वी गो फॉर बाउंड्री ल्यूब्रिकेशन और थिन फिल्म ल्यूब्रिकेशन, बिकॉज ल्यूब्रिकेंट लेयर कैन नॉट परसिस्ट इन दिस कंडीशन यहाँ पर ल्यूब्रिकेंट लेयर अपनी प्लेस पर मेंटेन नहीं हो पाएगी तो इसीलिए हमें बाउंड्री ल्यूब्रिकेशन चूज करना होगा दीज आर द फिगर्स रिप्रेजेंटिंग थिन फिल्म मैकेनिज्म ऑफ ल्यूब्रिकेशन और बाउंड्री मैकेनिज्म ऑफ ल्युब्रिकेशन अब बाउंड्री ल्यूब्रिकेशन के लिए जो लुब्रिकेंट यूज़ किए जाते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होना चाहिए सो फॉर बाउंड्री लुब्रिकेशन लुब्रिकेंट शुड हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विथ लेटरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चेन्स फॉर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर तो जो भी लुब्रिकेंट बाउंड्री लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किए जाएंगे, उनमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होना चाहिए जैसे ये एक हाइड्रोकार्बन चेन है ये दूसरी है ये तीसरी है इसके साथ यहाँ पर इन चेन के बीच में लेटरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए इन हाइड्रोकार्बन चेन्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए यहाँ पर अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन चेन्स के बीच में होगा तो ये लेयर्स इजीली एक दूसरे पर स्लाइड कर सकती हैं लेकिन वहीं अगर इन हाइड्रोकार्बन चेन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन अगर होगा तो ये ईजीली मूव नहीं होंगी तो ये हाइड्रोकार्बन एज ए ल्युब्रिकेंट बिहेव नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर हमें ऐसा ल्यूब्रिकेंट चाहिए जिनमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हो और इन चेन्स के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जिससे ये हाइड्रोकार्बन चेन्स ईजीली एक दूसरे पर स्लाइड कर पाए और एज ए ल्युब्रिकेंट बिहेव कर पाए दूसरा जो भी ल्यूब्रिकेंट यहाँ पर यूज़ किया जाएगा इट शुड हैव सम पोलर ग्रुप्स उसमें कुछ पोलर ग्रुप्स होना चाहिए अगर ल्यूब्रिकेंट में पोलरिटी होगी पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो वो ल्युब्रिकेंट सरफेसेस पर इजीली स्प्रेड हो जाता है तो ये पोलर ग्रुप्स की प्रेजेंस मेटल सरफेस पर इजी स्प्रेडिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है तो सेकंड कंडीशन होगी प्रेजेंस ऑफ पोलर ग्रुप्स टू प्रमोट स्प्रेडिंग ओवर सरफेसेस। नाउ नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ एक्टिव फंक्शनल ग्रुप इज इसशियल फॉर द ल्यूब्रिकेंट विच आर यूज फॉर बाउंड्री लुब्रिकेशन तो जो भी ल्यूब्रिकेंट बाउंड्री ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज किया जाएगा उसमें एक्टिव फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस बहुत जरूरी होती है एक्टिव फंक्शनल ग्रुप अगर ल्यूब्रिकेंट में होंगे तो वो ल्यूब्रिकेंट मेटल सरफेस से बाइंड कर लेगा और वो ल्यूब्रिकेंट की लेयर अपनी प्लेस पर बनी रहेगी जैसे यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है ये मेटल सरफेस से जाकर बाइंड हो जाएंगे और इस वजह से ये अपनी प्लेस पर ल्यूब्रिकेंट की लेयर बनी रहेगी लेकिन अगर एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होंगे तो ये ल्युब्रिकेंट लेयर परसिस्ट नहीं कर पाएगी ये ल्युब्रिकेंट यहाँ से स्क्वीज आउट हो जाएगा तो जो भी ल्युब्रिकेंट बाउंड्री ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाएगा उसमें तीन क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड हैं पहली प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विथ लेटरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेकेंड प्रेजेंस ऑफ पोलर ग्रुप टू प्रमोट स्प्रेडिंग ओवर द सर्फेसेज एंड थर्ड वन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव फंक्शनल ग्रुप टू गेट बाइंड विथ मेटल सर्फेसेस तो बाउंड्री ल्युब्रिकेशन के लिए ब्लेंडेड ऑयल्स एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज किए जाते हैं ब्लेंडेड ऑयल मीन्स मिनरल ऑयल्स विच आर मिक्सड विथ सम एनिमल और वेजिटेबल ऑयल्स ब्लेंडेड ऑयल में हम मिनरल ऑयल या पेट्रोलियम ऑयल्स लेते हैं और उनकी मिक्सिंग कर देते हैं एनिमल और वेजिटेबल ऑयल से तो बाउंड्री ल्यूब्रिकेशन के लिए ब्लेंडेड ऑयल्स यूज किए जाते हैं इसके अलावा जो ल्यूब्रिकेंट यहाँ पर यूज़ किया जाएगा इट शुड हैव हाई विस्कोसिटी इंडेक्स हाई विस्कोसिटी इंडेक्स होने का मतलब है थ्रू आउट वर्किंग कंडीशन अगर टेम्परेचर वेरी हो रहा है तो टेम्परेचर वेरिएशन के साथ ल्युब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी उसमें बहुत ही स्लाइट चेंज अगर ऑब्जर्व होगा तो ऐसे ऑयल में हाई विस्कोसिटी इंडेक्स होता है तो अच्छे ल्युब्रिकेटिंग ऑयल्स में हाई विस्कोसिटी इंडेक्स होना डिजायरेबल होता है क्योंकि जब मशीन्स रन करती हैं और ऑपरेटिंग कंडीशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये डिज़ायरेबल है कि जो भी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल आपने यूज़ किया है उसकी विस्कोसिटी चेंज ना हो टेम्परेचर बढ़ने के साथ विस्कोसिटी रिड्यूस ना हो तो इसीलिए हमेशा हाई विस्कोसिटी इंडेक्स इज़ डिज़ायरेबल फॉर गुड ल्युब्रिकेटिंग ऑयल इसके अलावा गुड ऑयलीनेस होना चाहिए ल्युब्रिकेटिंग ऑयल oil में ऑयलीनेस अगर होगी तो स्टिकीनेस होगी और ऑयलीनेस की वजह से ल्यूब्रिकेंट की लेयर अपनी पोजीशन पर मेंटेन रहेगी इन क्वालिटीज़ के साथ ही जो ल्यूब्रिकेंट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस टू हीट एंड ऑक्सीडेशन उसमें ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए और हीट के लिए रेजिस्टेंस होना चाहिए ऐसा ना हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करे और चूंकि एटमॉस्फेरिक एयर मशीन्स के आसपास प्रेजेंट रहती हैं तो जो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन हो जाए और उसका फॉर्म चेंज हो जाए तो इसी लिए पर जो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ किया जाएगा उसमें हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए और ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए बाउंड्री लुब्रिकेशन के केस में कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूसेस टू पॉइंट जीरो फाइव टू पॉइंट वन फाइव तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है फोर्स अप्लाइड टू कॉज मोशन अपॉन अप्लाइड लोड तो बाउंड्री लुब्रिकेशन के केस में कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन पॉइंट जीरो फाइव टू पॉइंट वन फाइव तक रिड्यूस हो जाता है सो दिस इज ऑल अबाउट थिन फिल्म मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन और बाउंड्री मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल इजी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें थैंक यू